फिर कर्नाटका, कर्नाटका से एक और विषय सर, जरूर मैं मानती हूं कांग्रेस में एससी के विषय में बात करने वाले हर नेता कर्नाटका आज ही जाए, पूछने की क्या हो रही है। एससी के पैसा को निकाल करके प्राइवेट अकाउंट में डाला जा रहा है, किसी को मालूम नहीं हो रहे। एससी के ऊपर इधर लेक्चर हो रही है, कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम, बड़ा सा स्कैम सर। इसमें सर विषय देख लीजिए कितना इंटरेस्टिंग बात। नॉर्मली गवर्नमेंट स्टैंड्स अप टू से नो गपला, क्या आरोप लगा रही हो, सॉरी, ऐसे बात करने के लिए सरकार के पक्ष में से खड़े होते हैं। मगर उधर, नाम नहीं ले रहा हूं, मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के बोल रहे हैं, अरे भैया वो 187 करोड़ नहीं है, सिर्फ 89 करोड़ से जॉक गपला है, मगर नॉट 187 करोड़ बट ओनली 89 करोड़। ये देख लीजिए क्या कॉन्फिडेंस, यही कांग्रेस है। गपला करो फिर आर्ग्यू करो, बोलो कि 189 नहीं है भैया, जस्ट 89 है, छोड़ दो जी। एससी का पैसा सर, एसटी का पैसा सर, दोनों उधर गपले हो रही है, मगर इधर एससी के ऊपर लेक्चर हमें दे रहे, एससी के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रश्न। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, मीनिंग आप जो दूसरे को बोल रही हो वो आप पहले कर दिखाओ। मैं पूछ रही हूँ सर, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने एससी हैं, कितने एससी हैं, कितने ओबीसी हैं? क्योंकि बाहर के वाले लोगों का नाम पढ़ना नहीं है, 9 लोग हैं, कोई एससी नहीं है। एसटी लोग के ऊपर हम सब कुछ अच्छे करने के लिए इरादा रख सकते हैं, मगर जेनरेशन जेनरेशन आफ्टर परदादा दादा सब के बयान एक ही जैसे जब है और काम कुछ नहीं हुआ, आप जाकर के आज बोलेंगे तो कैसे भरोसा आएगा सर। और ऊपर से हलवा जैसे एक इमोशनल सेंटिमेंटल मैटर जिसमें पूरे उस मिंट का फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टाफ बंद अंदर कमरे में ये रह करके काम करते हैं, उनके मुंह मिटा करने का काम में आप ऐसे प्रश्न चिन्ह साथ। मुझे पूछा जा रहा है कि एससी के ऊपर जब विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं आप साथ पर हाथ रख रहे हो, हंस रहे हो, नहीं, ऐसे एक इमोशनल मैटर को इतना हल्के से डील कर रहे हैं, उसको मैं सर न खोल सर। थैंक यू वेरी मच सर, मैं बजट के लिए कुछ इतना समय दिए आपके लिए मैं धन्यवाद। इतना 2013-14 में मंत्री जी नीचे सेल्लार में जाकर के हलवा बंटवारा करने का शुरुआत 2013-14 में हुआ। मैं पूछ रही हूँ तब, बाय दैट टाइम, क्योंकि आर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बाय दैट टाइम वाज अ फुल एक्टिव लीडर, उससे पहले ऑर्डिनेंस फटा भी गया, वो इंडिपेंडेंस दिखाया विपक्ष के नेता, क्यों उस समय फाइनेंस मिनिस्टर तब की उनसे ये पूछा नहीं गया कि कितना एससी है भाई, आप नीचे जा रहे हो फोटो के लिए बोलो, नहीं तो वो हलवा में कैंसिल करूंगा, क्योंकि उस समय वो पावरफुल थे ना, रिमोट कंट्रोल था ना, वो हलवा क्यों कैंसिल नहीं किया, उनके हलवा कैंसिल नहीं किया, तब ये पूछा नहीं गया। भारत के हलवा बटाया जा रहा सर, ये आदत किसी का हो तो वो जमाना गया, मलाई खा करके इस देश को छोड़कर या पार्लियामेंट को छोड़कर लोग गए, लोग वोट करके मलाई खाने वाले को दिखाया रास्ता, चले जाओ आप सत्ता में बैठना नहीं है, वो जमाना गया। मगर उस समय
उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर से ये पूछा नहीं गया, आप नीचे जा रहे हो बंटवारा करने के लिए, हलवा बंटवारे करने के लिए, आपके साथ कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, वो पूछा नहीं है उस समय। उस समय के ऑफिसर्स लोग के स्टैटिस्टिक्स गणना नहीं हुआ, मगर अभी पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इस देश में लोगों को बंटवारे करने में कुछ षड्यंत्र के साथ इस प्रश्न पूछा जा रहा है। सर, इट्स अ शेम। मैं इस मौके पर मैं रेस्पेक्ट करना चाहती हूँ दो लोगों को। सर, आप परमिट नहीं करते हैं नए नाम लेने के लिए, वो मेंबर भी नहीं है, मगर प्रिंटिंग हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंट स्टाफ दो लोग, उनको मैं जिक्र करना चाहती हूँ। सर, ये सेक्रेट नहीं, प्लीज आप सुन लीजिए, सेक्रेट हलवा के विषय और इसमें इतना इमोशन जुड़ा हुआ है, ये समझ में आएगा। सर, रिटायर्ड ऑफिसर, लेट रिटायर्ड ऑफिसर, उनके पिताजी गुजर चुके थे जब वो अंदर पहुंच गए, और बाहर आने का कुछ नहीं है पॉसिबिलिटी। श्री कुलदीप शर्मा जी डिप्टी मैनेजर थे प्रेस का, उनके पिताजी का देहांत होने का विषय उनको अंदर होने के बाद मिला, फिर भी सर वो कमिटमेंट देखिए, वो जब तक फिनांस का बजट डिक्लेयर हुआ तब तक बाहर नहीं आया। मैं उनके सर झुक करके नमन करती हूँ। ऐसे लोग हैं सर उधर, उनका सेंटिमेंट है हलवा बनाना और बंटवारा करना, उनको नीचे दिखाना अच्छा नहीं है, नीचे दिखाना अच्छा नहीं है। दूसरा सर, दूसरा मैं बोल रही हूँ, श्री सुभाष, श्री सुभाष अभी भी है प्रिंटिंग प्रेस में, वो भी अंदर जाने के समय उनको मैसेज आया, उनके सुपुत्र का देहांत हुआ सर, मगर वो बोले नहीं मेरा जिम्मेदारी, क्योंकि हलवा के सेरेमनी हो गए, मैं अंदर आ रही हूँ, इससे आई विल नॉट कम आउट। ये है सेंटिमेंट उधर, हलवा बनाना और अंदर जाना, पूरे कर्तव्य निभाना और बाहर आना, इसको नीचे दिखाना सही नहीं है सर। ओबीसी के ऊपर बहुत सारे विषय हमारे एमपी गण बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रधानमंत्री जी नेहरू जी का लेख सबको पढ़, शायद अनुराग जी ने पढ़ दिखाया। नेहरू जी ने 27 जून 1961 को लिख रहे हैं, आई कोट सर, आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, मोर पर्टिकुलरली इन सर्विस। I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. Okay. Unquote. Sir, that is Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Okay. Next, sir. Kaka Kalekar Commission ke report 1955 mein jab recommendation aa chuka tha, tab se lekar ke Congress party ke har government usko darkinare kar diye. बैकवर्ड कमीशन के कोई कुछ सोच नहीं था। इन 1980 मंडल कमीशन रिपोर्ट वॉज सबमिटेड टू श्रीमती इंदिरा गांधी, तब के प्राइम मिनिस्टर, इवन शी डिडंट टच इट, एंड तब के कांग्रेस के नारा में बोल रही हूँ सर, माई हिंदी इज नॉट वेरी गुड बट आई स्टिल से इट, वॉट वॉज द स्लोगन, ना जात पर ना पात पर मोहर लगाएगी हाथ पर। सो जात तब नहीं है, हाट नहीं है, मगर अभी बोला जा रहा है जाति, जाति। कितना लोग हलवा में थे, कितना लोग हलवा फोटो में थे, कितने नीचे पे थे, जब तब अगर आपने सही इसको तभी ले आते तो ओबीसी ऑफिसर आज सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने का मौका था, यू स्टॉप्ड इट सर। नो, इवन वर्स सर, शायद अनुराग जी ने नहीं बताया, मैं एक और कोटेशन पढ़ना चाह रही हूँ सर। राजीव गांधी जी, लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, गेव एन इंटरव्यू टू आलोक मेहता इन मार्च 1985, सीनियर जर्नलिस्ट। इन दैट इंटरव्यू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अबाउट ओबीसी रिजर्वेशन सेज दिस,
कोट कर रही हूं सर, नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स इन द नेम ऑफ रिजर्वेशन. Promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country. Unquote. Reservation के ऊपर ये इतना lecture दे रहे sir. Sir, Ambedkar ji cabinet से निकल करके he said I don't want to be in this because there is no justice for backward communities or for SCs. उनके चिट्ठी ये सब विषय लंबा सा चिट्ठी सर, मगर वो रेलेवेंट पैराग्राफ में पढ़ रही हूं. सो ही सेड कोट, आई विल नाउ रेफर टू अनदर सेकंड इन ब्रैकेट्स मैटर दैट अंबेडकर जी का कह रहे हैं सुनो. आई विल नाउ रेफर टू अनदर मैटर दैट हैड मेड मी डिससैटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट. इट रिलेट्स टू द ट्रीटमेंट अकॉर्डेड टू द backward classes and scheduled castes. I was very sorry that the constitution did not embody any safeguards for the backward classes. It was left to be done by the executive government on the basis of recommendations of a commission to be appointed by the president. More than a year has elapsed since we passed the constitution, but the government has not even thought of appointing the commission. Unquote. So Ambedkar ji sarkar se chhod kar jaane. Sarkar kiski thi? Sarkar kiski thi sir? First government under Pandit Jawaharlal Nehru, the first prime minister. Inke dada pardada ke bayan ye sab hai sir. Aaj ye reservation ke upar aur SC ST ke upar baat karte hain. Main प्रश्न पूछना चाहती हूँ सर. अभी अखिलेश जी, नेता जी, लोहिया जी इंग्लिश में बोलते हैं सर. अरे लोहिया जी, नेता जी खिलाफ तो इंग्लिश में बोलते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम. सुनिए चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम मीनिंग आप जो दूसरे को बोल रही हो वो आप पहले कर दिखाओ. मैं पूछ रही हूँ सर, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने SC हैं, कितने SC हैं, कितने OBC हैं? क्योंकि बाहर के वाले लोगों का नाम पढ़ना नहीं है, 9 लोग हैं, कोई SC नहीं है. चैरिटी बिगिंस एट होम सर. आप पहले आपके व्यवस्था सही करो, SC को दो, फिर आकर हमसे पूछ लो भाई, ये बोलो सर. फिर दूसरा एक उदाहरण देती हूँ सर, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें 5 लोग हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में, नाम नहीं पढ़ रही हूँ सर, मगर मुझे एक भी SC नहीं दिखाई. सो सर, SC ST लोग के ऊपर हम सब कुछ अच्छे करने के लिए इरादा रख सकते हैं, मगर जेनरेशन जेनरेशन आफ्टर परदादा दादा सब के बयान एक ही जैसे जब है और काम कुछ नहीं हुआ. आप जाकर के आज बोलेंगे तो कैसे भरोसा आएगा सर? और ऊपर से हलवा जैसे एक इमोशनल सेंटिमेंटल मैटर जिसमें पूरे उस मिंट का फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टाफ बंद अंदर कमरे में ये रह करके काम करते हैं, उनके मुंह मिटा करने का काम में आप ऐसे प्रश्न चिन्ह के साथ. और मैं जब इस विषय में मैं कैसे जवाब दूं ऐसे करके सर पे हाथ रखा तो पूरे ट्रोल आर्मी के साथ मुझे पूछा जा रहा है कि SC के ऊपर जब विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं आप सर पर हाथ रख रहे हो, हंस रहे हो. नहीं, ऐसे एक इमोशनल मैटर को इतना हल्के से डील कर रहे उसको मैं सर में फोड़ सर. थैंक यू वेरी मच सर. मैं बजट के लिए कुछ इतना समय दिए आपके लिए मैं धन्यवाद. UPA गवर्नमेंट वॉज रन बाय देम फॉर द इकोनॉमी, डिड नॉट नो व्हेन एंड हाउ टू विदड्रॉ द स्टिमुलस लीडिंग टू अ हाई डबल डिजिट इन्फ्लेशन बिटवीन 2009 एंड 13.
high fiscal deficit and debt, crowding out private investment. So between January 2012 and 2014, just the 22 months, of the total 28 months, 22 months the inflation was above 9%. Almost double digit and almost double of the forbearance limit that is permitted. Inflation ke inke record. Record hi hai sir. Usko beat karna aasan nahi hai. इसीलिए मैं बात बोल रही हूं यूपीए इनहेरिटेड अ स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विद इन्फ्लेशन एट 3.8% फ्रॉम 1999 2000 टू 2003-04 अटल जी के समय पर इन्फ्लेशन उस रेंज में पर था उसको इनहेरिट किया यूपीए ने कंपैरेटिवली एनुअल इन्फ्लेशन रोस टू 8.1% बिटवीन 2004-05 टू 2013-14 अटल जी का 3.8% इनका 8.1% यही है इनका रिकॉर्ड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के ऊपर सर एक्चुअली क्योंकि हमारे एमपी साहब ऑलरेडी एक स्लोगन दे रहे मैं बोलना चाहती हूँ मैं हिंदी इलाके से नहीं आती हूँ फिर भी ये याद है कांग्रेस आई महंगाई लाई ये है इनका रिकॉर्ड सर बिकॉज इकोनॉमी वॉज इन सच पोअरली मैनेज स्टेट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आई वॉन्ट टू कोट सर आरबीआई गवर्नर उनका नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि सदस्य नहीं है इधर मगर वो एक किताब लिखे हैं उस किताब में वो बोलते हैं आई कोट द फाइनेंस मिनिस्ट्री यूज्ड टू प्रेशराइज द आरबीआई टू सॉफ्टन इंटरेस्ट रेट्स एंड प्रेजेंट अ रोसियर पिक्चर ऑफ ग्रोथ टू शोर अप सेंटिमेंट्स क्योंकि आपके आर्थिक व्यवस्था इतना बिगड़ गई थी आप आरबीआई को फोन करके उनको बोल रहे हैं कि प्लीज ठीक से मैनेज करो भैया क्योंकि सेंटिमेंट अफेक्ट हो जाएगा आप कुछ मैनेजमेंट नहीं किए मगर ये किताब में फॉर्मर आरबीआई गवर्नर लिख रहे हैं सर इनका इकोनॉमी के मैनेजमेंट के ऊपर शेम वो हमें पूछते हैं कि इकोनॉमी कैसे मैनेज कर रहे हो सर इंडियाज इन्फ्लेशन बिटवीन 2020-2023 is much lower than the global average. Prime Minister Modi, in spite of COVID, planned the economy in such a way that our inflation did not affect so badly. I want to just give you the list of the records, sir. NDA ke samay, 99 to 2004 tak, 3.8. UPA 1 mein 6%, UPA 2 mein 10.2%. So UPA 1 and 2 put together, 8.1%. अभी हम आ रहे हैं NDA 1 में 14-15 से लेकर इन्फ्लेशन 5 ईयर्स में 4.5%, NDA 2 में 5.7%, NDA 1 and 2 put together 5.1%. कहाँ है 8.1%? हमारे 5.1% कहाँ है? ये मैं ये भी दुख के साथ कहना चाह रही हूँ जब प्रधानमंत्री जी पेट्रोल और डीजल प्राइस को दो बार कम किए बीजेपी स्टेट्स ने कम किया इन्फ्लेशन घटवाए मगर यूपीए के स्टेट्स कोई कुछ नहीं किया उसके वजह से उनके स्टेट में इन्फ्लेशन हाई रहा देश के लिए नुकसानदायक पॉलिसी है यूपीए का ठीक है हम कैसे मैनेज किए इन्फ्लेशन ग्रुप ऑफ सर एनडीए गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर रही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इन्फ्लेशन को मॉनिटर करते हुए सप्लाई साइड का हर स्टेप हर बार उठाते हैं मैं उदाहरण देती हूं सर भारत ब्रांड आटा राइस और पल्सेस का विषय हमने खरीद करके सब्सिडी के साथ जनता को पहुंचा रहे हैं भारत आटा एट 27.50 रुपीस पर केजी और लोग
खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? बिल्कुल खरीद रहे हैं। 14.87 लाख टन्स हैव बीन सोल्ड फॉर कॉमन पब्लिक। भारत राइस 27.5 रुपीस पर केजी में चावल मिलता है और 13.98 लाख टन्स बिक्री हो गए हैं सर, लोग खरीद रहे हैं। भारत चना दाल 60 रुपीस पर केजी के, 1 केजी का पैक 11.52 लाख टन सोल्ड हो गए। भारत मूंग दाल, बोथ मूंग दाल और साबत मूंग दाल 2,984.37 टन्स का सेल हो गया है। आम नागरिक तक हमारे भारत ब्रांड आटा पहुंच रही है, इसीलिए इन्फ्लेशन को वो फेस कर पा रहे हैं। सर, मैं अगले एक विषय, मुख्य विषय में आ रही हूँ। एससी एसटी को इग्नोर कर रहे हैं इस सरकार, विमेन एंड पुअर को इग्नोर कर रहे हैं। इसमें चार लोग बात किए, चरणजीत सिंह सनी, श्रीमती डिंपल यादव, के राधाकृष्णन एंड तोल तिरुमावलवन, ऑल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु हैव रेज्ड दिस इश्यू। आई वांट टू से एससी और एसटी और विमेन के एलोकेशन हैज गॉन अप सब्सटैंशियल। नंबर दे रही हूँ सर, 23-24 में 1,59,148 करोड़ था एससी का, इस साल 1,65,493 करोड़ और बढ़ाए। एसटी 1,19,706 करोड़, 1,24,909 करोड़, नाउ 5,113 करोड़ अधिक, वी हैव इंक्रीज्ड इट। विमेन 2,38,220 करोड़ पिछले साल, इस साल 3,27,158 करोड़, 88,938 करोड़ ज्यादा दिए हैं इस साल में। सर, इस विषय में थोड़ा ऑनरेबल स्पीकर ध्यान से आपके सामने विषय रख रही हूँ। एससी एसटी का एलोकेशन कम हो गया है, ऐसे प्रश्न पूछने वाले से मैं पूछना चाहती हूँ। कर्नाटका के कांग्रेस गवर्नमेंट ने एससी एससी एसटी फंड से बजट में 9,980 दिए हुए बजट से 4,301 करोड़ ट्राइबल सब प्लान से निकाला गया, उसका पता नहीं चल रहा कहां है। सो फार ऑफ द टोटल कर्नाटका गवर्नमेंट हैज स्पेंट 2,228 करोड़, इंक्लूडिंग 1,587 करोड़ फ्रॉम द एससी एसटी सब प्लान एंड 641 करोड़ फ्रॉम द tribal sub plan specifically. God knows where this is going. Shame. Because this has been questioned in Karnataka itself by the leader of the opposition and the media, I want to ask Maniya former chief minister Charanjit Channi ji, aapke leader se baat kariye, Karnataka mein ja karke SC ka halat ke upar prashn poochiye, idhar poochne ka avashyakta nahi hai, udhar Congress government mein ho rahi hai itni sari kapla. कर्नाटका से एक और विषय सर, जरूर मैं मानती हूं कांग्रेस में एससी के विषय में बात करने वाले हर नेता कर्नाटका आज ही जाए पूछ ले कि क्या हो रही है। एससी के पैसा को निकाल करके प्राइवेट अकाउंट में डाला जा रहा है, किसी को मालूम नहीं हो रहे। एससी के ऊपर इधर लेक्चर हो रही है, कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम, बड़ा सा स्कैम सर। इसमें सर विषय देख लीजिए, कितना इंटरेस्टिंग बात। नॉर्मली गवर्नमेंट स्टैंड्स अप टू से नो गपला, क्या आरोप लगा रही हो, सॉरी, ऐसे बात करने के लिए सरकार के पक्ष में से खड़े होते हैं। मगर उधर, नाम नहीं ले रहा हूं, मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के बोल रहे हैं
अरे भैया वो 187 करोड़ नहीं है, सिर्फ 89 करोड़ है जो गपला है, मगर नॉट 187 करोड़ बट ओनली 89 करोड़। ये देख लीजिए क्या कॉन्फिडेंस, यही कांग्रेस है। गपला करो फिर आर्ग्यू करो, बोलो कि 189 नहीं है भैया, जस्ट 89 है, छोड़ दो जी। एससी का पैसा सर, एसटी का पैसा सर, दोनों उधर गपले हो रही है, मगर इधर एससी के ऊपर लेक्चर हमें दे रहे, एससी के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रश्न पूछ।